हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल पर्पस ट्यूटोरियल्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वीडियो कैल्क के बारे में है, जो ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी का एक कंपोनेंट होता है, या जिसको हम उसका एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। जैसे एमएस ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल होता है, ठीक वैसे ही ओपन ऑफिस डॉट ओ आर जी में कैल्क होता है। ये यहाँ पे अपाचे ओपन ऑफिस का लोगो जो है, ये इस प्रकार से दिखता है। और यहाँ पे अगर कैल्क की बात करें हम, तो कैल्क इस प्रकार से दिखता है। कैल्क का लोगो ऐसा होता है, ठीक है। अभी कैल्क के बारे में जानते हैं कि इसमें फीचर्स कौन से होते हैं, कौन सा फीचर हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और उनका यूज क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ हम सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले होता है टाइटल बार, ठीक है। तो टाइटल बार जो होता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सबसे ऊपर होती है टाइटल बार। ये यहाँ पे जो भी आपके डॉक्यूमेंट का नाम है, जो भी आपके फाइल का एक्सेल शीट का नाम है, वो यहाँ पे होता है, जो भी आप नाम देते हैं। अभी यहाँ पे अनटाइटल्ड लिखा है, क्योंकि हमने इधर पे कोई भी नाम नहीं दिए हैं। अगर हम यहाँ पे नाम देंगे तो यहाँ पे वो नाम आएगा। जैसे आपने कुछ भी दे दिया कि ऑफिस वर्क और कुछ भी, जो भी नाम आप दे सकते हैं, तो वो यहाँ पे नाम दिखता है। उसके बाद अगर हम इससे नीचे आते हैं, तो ये यहाँ पे ये है, तो ये होती है हमारी मेन्यू बार। मेन्यू बार में आप देखेंगे यहाँ लिखा फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डाटा, विंडो हेल्प। तो यहाँ से क्या होता है, आप अलग अलग प्रकार के सारे, बहुत सारे ऑप्शंस आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर हम फाइल की बात करें, तो फाइल पे अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम न्यू डॉक्यूमेंट अगर हमको खोलना है, कोई सेव्ड डॉक्यूमेंट अगर हमको खोलना है, कोई सेटिंग्स अगर हमको कुछ चेंज करना है, तो वो यहाँ से आता है। एडिट अगर हमको इधर पे एडिट, कॉपी पेस्ट और दूसरे जो चीज़ें होती हैं वो हमको अगर करना है। उसके बाद यहाँ पे ये व्यू है, व्यू में अलग अलग आपके जो है अलग अलग व्यू आ जाते हैं, अलग अलग तरीके के व्यू आते हैं। उसके बाद इंसर्ट, अगर आपको इसमें कुछ डालना है, टेबल्स डालना है या दूसरे कोई चीज डालना है, तो वो यहाँ पे आ जाता है। फॉर्मेट मतलब जो इसकी स्टाइलिंग होती है और दूसरी चीजें। टूल्स, जो यहाँ पे टूल्स जरूरी होते हैं टेबल्स बनाने में। डाटा, विंडो हेल्प, ये इस प्रकार से यहाँ पे मेन्यू बार में रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारा आता है स्टैंडर्ड टूल बार। अभी स्टैंडर्ड टूल बार का, वैसे टेबल अगर जब भी हम बनाते हैं तो इसमें ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है, बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं होता है। तो जैसे अगर हमको, आप देख रहे होंगे जैसे यहाँ पे बना है कि अगर हमको इसको मैग्नीफाई करना है कोई भी डॉक्यूमेंट को, तो हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमको प्रिंट देना है तो हम उसका यूज कर सकते हैं, उसके लिए हम स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करते हैं। देन इफ यू वॉन्ट टू सेव अ फाइल एज अ पीडीएफ फाइल, देन वी कैन ऑल्सो यूज स्टैंडर्ड टूल बार। अगर हमको कोई भी, जो हम जिस भी शीट पे काम कर रहे हैं, अगर हमको उसको कहीं और मूव करना है, तो हम उसके लिए स्टैंडर्ड टूल बार का यूज करते हैं। तो ऐसे इसके बहुत सारे जो है यूज होते हैं। जैसे ये यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कोई लिंक डालना है, तो आप यहाँ से डालेंगे। तो इस प्रकार के स्टैंडर्ड टूल बार से बहुत सारे यूज होते हैं। उसके बाद हम स्टैंडर्ड टूल बार से नीचे आते हैं, तो स्टैंडर्ड टूल बार के बाद यहाँ पे आता है फॉर्मेटिंग टूल बार। ये है फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। ये स्टैंडर्ड टूल बार के यहाँ पे बाद में होता है, नीचे होता है। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है आपके फॉन्ट कौन सा होगा, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल क्या होगा। जैसे यहाँ पे आपका फॉन्ट है जो एरियल है, उसके बाद आपके फॉन्ट का जो साइज है वो यहाँ पे 10 होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको फॉन्ट अगर अपना बोल्ड रखना है, तो आप यहाँ से करेंगे। अगर आपको इटैलिक करना है, तो यहाँ से करेंगे। अगर आपको अंडरलाइन करना है, तो आप यहाँ से करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो जो भी आप लिख रहे हैं वो सारी चीजें लेफ्ट में हो, तो आप इसका यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं सब सेंटर में हो, तो यहाँ पे। अगर आप चाहते हैं सब राइट में हो, तो सब यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम इसका यूज होता है फॉर्मेटिंग टूल बार का। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यहाँ पे एक्टिव सेल। अभी जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखा है ए। अगर हमने यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है सी। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हमने यहाँ पे ए की जगह पे नेम लिख दिए, ए की जगह पे हमने इसको नाम दे दिए नेम, इधर पे हमने नाम दे दिए एड्रेस, और इधर पे हमने नाम दे दिए पिन कोड, ठीक है। तो ये जो नेम बॉक्स होता है, ये नेम बॉक्स, इसका क्या काम रहता है कि जब भी आप ए पे क्लिक करेंगे, तो ये बताता है कि आप कौन से सेल पे हैं। ये नेम बॉक्स होता है। तो जैसे अभी हम ए पे हैं, तो ये यहाँ पे नेम लिखा आएगा। अगर हम यहाँ पे बी पे हैं, ठीक है, इस सेल का नाम है, हमने क्लास नाम दिए थे, तो यहाँ पे क्लास लिखाएगा। तो इस प्रकार से नेम बॉक्स का नाम रहता है। उसके बाद ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला बार है। अभी फॉर्मूला बार का क्या यूज होता है, जैसे यहाँ पे एक्टिव सेल्स हैं, जैसे यही एक सेल है, इसके अंदर पे यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है,
अभी यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है और अगर हमने इसमें कुछ फॉर्मूला लगाए थे तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा आता है, अगर हमको वो फॉर्मूले को एडिट करना है या उस पर कुछ चेंजेस करना है तो हम वहां से कर सकते हैं। उसके बाद ये रो हेडर्स हैं, रो हेडर्स मतलब हम कौन सी रो में है ये हमको बताते हैं, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे कॉलम हेडर्स है, कॉलम हेडर्स हमको बताते हैं कि हम कौन से कॉलम में, तो कॉलम हेडर्स हम इनको भी कह सकते हैं। जैसे हमने जो नाम दिए थे नेम, यहाँ पे हमने नेम, क्लास, पिन कोड, एड्रेस, ये इस प्रकार से, तो ये भी हेडर्स ही होंगे। वैसे यहाँ पे एबीसी लिखा है तो हम एबीसी भी ले सकते हैं, तो वो भी हेडर्स ही होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अगला है वो है शीट टैब्स। अब शीट टैब्स क्या होता है कि कभी कभी आप एक साथ चार पांच शीट्स पे काम करते हो। अब आपको क्या हुआ कि आपको आप फर्स्ट शीट पे काम कर रहे हैं लेकिन आपको थर्ड शीट पे जाना है क्योंकि आपको कुछ ऐसा रेफरेंस लेना है थर्ड शीट से फर्स्ट शीट का, या ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन है जो थर्ड शीट में और जो आपको फर्स्ट शीट में भी लग रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप वो सारी शीट्स खोल सकते हैं एक साथ और आप उसको टैब स्विच कर सकते हैं, आप फर्स्ट शीट से थर्ड शीट में जा सकते हैं एक ही बार में और उसके बाद आप इन्फॉर्मेशन देख के और वापस आ सकते हैं। तो यहाँ पे शीट टैब्स इसलिए होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये जो है स्टेटस बार, स्टेटस बार पे अपना पेज कौन सा है, शीट कौन सी है, जैसे यहाँ पे शीट फर्स्ट है तो यहाँ पे ये दिखा रहा है शीट फर्स्ट है, मतलब वन आउट ऑफ थर्ड, मतलब है ना यहाँ पे तीन शीट है और ये फर्स्ट शीट है। उसके बाद ये डिफॉल्ट दिखा रहा है यहाँ पे ये फॉन्ट, उसके बाद ये इसका स्टैंडर्ड है एसटीडी मतलब स्टैंडर्ड, उसके बाद यहाँ पे ये काउंट भी दिखाता है और यहाँ से अगर आपको मैग्नीफाई करना हो या डी मैग्नीफाई करना हो तो आप यहाँ से ये भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं कैल्क में openoffice.org के। तो यही थी हमारी वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो में कमेंट करें, इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।